Hello friends, welcome to Obipedia. Myself Ankush Sharma, Senior Faculty of Abhimanyu IAS. Post Independence की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है Indo-China clashes of 1967. ये clashes हुई थी नाथुला एंड चोला पासेस के पास. ये पासेस हैं सिक्किम में. नाथुला एंड चोला. क्या हुआ था यहाँ पर 67 में? क्यों यहाँ पर ये लड़ाई हुई जिसमें चाइना को हारना पड़ा, ये आज हम डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसका बैकग्राउंड क्या था. ईयर है 1950. सिक्किम इंडिया का बनता है प्रोटेक्टोरेट. ये कॉन्सेप्ट क्या था? देन सिक्किम की सिक्योरिटी की गारंटी हमारी है, ये हमारे प्रोटेक्शन में था. ओके, बट यहां पर रूल कर रहा है एक रूलर किंग, इसको हम बोलते हैं चोग्याल. ओके फ्रेंड्स, इसी टाइम पर 1950 चाइना अनेक्स करता है तिब्बत को. तिब्बत को अनेक्स कर लिया गया और उसके बाद चाइना क्लेम करता है सिक्किम को, बिकॉज चाइना बोल रहा है कि सिक्किम जो है वो तिब्बत का पार्ट है और दैट्स व्हाई सिक्किम को चाइना के कंट्रोल में होना चाहिए. क्लियर? बट बिकॉज हमारे स्टैम्प पर रिलेशन बहुत अच्छे हैं और हिंदी चीनी भाई भाई के स्लोगन लग रहे हैं, तो ये चीजें सरफेस पर अभी नहीं आई हैं. ओके, धीरे धीरे हमारे रिलेशन चाइना के साथ, ठीक है, वो गड़बड़ होने लगे. दलाई लामा का इश्यू हुआ और 1962 की वॉर होती है. इस वॉर में हम हार जाते हैं और हमारे रिलेशन एकदम डाउन जा चुके हैं. चाइना और पाकिस्तान फ्रेंड बन रहे थे. 1965 की जो इंडो पाक वॉर हुई थी उसमें चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है. इसी टाइम पर चाइना ने एटम बम का टेस्ट कर लिया और उसने हाइड्रोजन बम भी बना लिया था. एंड अब चाइना बहुत ज्यादा एक एग्रेसिव मोड में था. ओके, आगे क्या होता है? अगस्त 1967 चाइनीज सोल्जर्स जो नाथुला वाला एरिया है सिक्किम में, यहाँ पर ट्रेंचेस बनाते हैं, ट्रेंचेस बना रहे हैं. इंडियन सोल्जर्स ने ऑब्जर्व किया ये जो ट्रेंचेस हैं ये हमारे एरिया में, मतलब इंडिया वाले पार्ट में. देन इंडियन सोल्जर्स ने इनको रोक दिया कि आप यहाँ पर ट्रेंचेस को डिग नहीं कर सकते बिकॉज ये हमारा पार्ट है. चाइनीज सोल्जर्स बोलते हैं नो, ये हमारा पार्ट है. प्रॉब्लम चलती है, बट इंडियन फोर्सेज ने इनको ट्रेंच को नहीं बनाने दिया, इनको वापस जाना पड़ा. अब इंडियन सोल्जर्स ने डिसाइड किया कि बिकॉज बार बार ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ओके फ्रेंड्स, देन हमारे सोल्जर्स यहां पर अब एक वायरिंग करने वाले हैं, ठीक है, इनको हम बोलते हैं फेंसिंग. तो यहां पर फेंसिंग होने वाली है और एक बार्ड वायर यहां पर वो लगाएंगे. ये उन्होंने डिसाइड किया बिकॉज चाइना के सोल्जर बार बार यहां पर पेट्रोलिंग कर रहे थे. सितंबर 1967 हमारा वर्क स्टार्ट होता है, वायरिंग होती है. अब चाइना का कमांडर आया और हमारे कमांडर से बोलता है कि आप ये नहीं कर सकते, इसको बंद कर दीजिए. हमारे कमांडर ने मना कर दिया. उसके बाद यहाँ पर कुछ धक्का मुक्की हुई जिसमें चाइना के 2 सोल्जर्स सीवियरली इंजर्ड हो जाते हैं. तो चाइनीज बहुत ज्यादा गुस्से में है इस टाइम. नेक्स्ट क्या होता है? 11th of September 1967 हमारा वर्क चल रहा था वायरिंग का. चाइना का कमांडर फिर से आया और हमारे कमांडर से बोलता है कि आप इसको बंद कर दीजिए वर्क को. कमांडर ने मना कर दिया, यहां से चला जाता है. ओके, और क्या बोल रहे जाते हो? हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई. ओके फ्रेंड्स, गया जाकर एक वहां पर एक आवाज आती है विसल की और उसके बाद चाइनीज ने अपनी मशीन गन का जो माउथ था वो ओपन कर दिया. हमारे सोल्जर्स यहां पर ओपन में खड़े हुए हैं, शेल्टर नहीं था वहां पर, हमारी कैजुअलिटीज होती है. देन इसके बाद हमारा रिप्लाई आया, हमारे फोर्सेस ने अब मशीन गन को ओपन कर दिया, आर्टिलरी फायर भी होने लगा और दोनों तरफ से फायरिंग हुई. 3 डेज तक ये लड़ाई चलती है. एंड उसके बाद जब ये लड़ाई बंद हुई तो अबाउट 300 चाइनीज सोल्जर्स यहां पर मारे जाते हैं. ओके फ्रेंड्स, सेवरल चाइनीज बंकर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था और चाइनीज फोर्सेस को रिट्रीट करना पड़ा. सेम इसी टाइप की एक लड़ाई होती है चोला पास. ये लड़ाई होती है 1st of October 1967. इस लड़ाई में भी चाइनीज फोर्सेस को वापस हटना पड़ा, रिट्रीट करना पड़ा, बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज उनकी होती हैं. ओके,
इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि कितनी कैजुअलिटी दोनों तरफ से हुई थी। इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री का बोलना है कि इंडिया के 88 सोल्जर्स मारे गए थे और चाइना के अबाउट 340 सोल्जर्स मारे गए थे। इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन फोर्सेस हैप्पी थी बिकॉज जो हमारी परफॉर्मेंस थी बहुत अच्छी थी और 62 के बाद ये बहुत चेंज हो चुकी थी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या होता है, सिनो इंडियन बॉर्डर, जो ये वाला एरिया था सिक्किम वाला, यहां पर अब कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और ये पीसफुल रहता है। 1975 में सिक्किम हमारा पार्ट बन जाता है और ये हमारी 22nd स्टेट बनता है। ओके, इस टाइम पर चाइना ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, बट 2003 आते आते इनडायरेक्टली चाइना सिक्किम को मान लेता है कि इंडिया का पार्ट है और सिक्किम के ऊपर वो अपना क्लेम खत्म कर देता है। ओके, तो ये जो डिस्प्यूटेड एरिया था वो ये मान लेता है कि चलिए ये इंडिया का पार्ट बन गया। ओके फ्रेंड्स, इस टाइप से सिक्किम हमारा पार्ट बना था। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।